बिग बॉस 7 की विनर गौहर खान हमेशा ही चर्चा में बनी रहती हैं, कभी अपने डांस को लेकर तो कभी किसी बयान को लेकर। लेकिन इस बार वो अपने शादी की खबरों को लेकर चर्चा में आई हैं। बता दें कि इस साल उन्हें अपना वैलेंटाइन मिल गया है, जिसके साथ अब वो जल्द ही अपना घर बसाने वाली है। अगर इन बातों को सुनकर आपको ऐसा लग रहा है कि गौहर खान डांस कोरियोग्राफर जैद दरबार के साथ शादी करने वाले हैं तो आप गलत सोच रहे हैं। बल्कि गौहर ने अपने लाइफ पार्टनर के रूप में किसी और को चुना है, जिसके बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो चलिए जानते हैं कौन है वो शख्स जिससे करने वाले हैं गौहर खान शादी। टीवी जगत और बॉलीवुड जगत में एक अलग पहचान बना चुकी गौहर खान का जन्म 23 अगस्त 1983 को पुणे महाराष्ट्र में हुआ था, जहां से इनकी सारी पढ़ाई भी कंप्लीट हुई है। अगर बात करें इनके एक्टिंग करियर की तो इन्होंने अपने करियर की शुरुआत साल 2004 में आई तेलुगु फिल्म ऑन मैन नेटवर्क से की थी, जिसके बाद ये बॉलीवुड की कई फिल्मों में आइटम सॉन्ग करते हुए नजर आए, जिनमें शहजादे और क्या कूल है हम जैसी फिल्में शामिल हैं। इसके अलावा ये रियलिटी शो खतरों के खिलाड़ी, झलक दिखला जा 3 और बिग बॉस की विनर रह चुकी हैं। बता दें वर्तमान में ये बिग बॉस 14 में बतौर तूफानी सीनियर्स नजर आ रहे हैं। वहीं बात करें आपकी फेवरेट अभिनेत्री गौहर खान किसके साथ शादी के बंधन में बंधने वाली हैं, तो आपको बता दें कि वो कोई और नहीं बल्कि मॉडल एंड एंटरप्रेन्योर साहिल पीरजादा हैं। जी हाँ, साहिल पीरजादा ही हैं वो शख्स जिनके साथ गौहर खान जल्दी शादी करने वाली हैं। बता दें दोनों की मुलाकात एक रेस्टोरेंट में हुई थी, जहाँ शादीशुदा होने के बावजूद साहिल पीरजादा ने इन्हें दिल दे दिया और वहीं गौहर खान भी इनकी तरफ अट्रैक्ट हो गई थी। तभी से दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। बता दें इन दोनों को अक्सर एक साथ स्पॉट किया जाता है और अब दोनों का रिश्ता भी काफी ज्यादा गहरा हो गया है, जिसके चलते साहिल पीरजादा ने अपनी पत्नी को तलाक दे दिया है, जिससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि दोनों जल्दी शादी कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको गौहर खान की जोड़ी कुशाल टंडन के साथ अच्छी लगती है या फिर साहिल पीरजादा के साथ? आप हमें उनका नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही टीवी जगत से जुड़ी ऐसी मसालेदार खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।